सुना देवर जी, सुना आप सब लोगों ने, उस दिन गौरी आई थी, उसके बाद हमने उसका सूटकेस भिजवाया, तो इसमें क्या गुनाह किया मुन्ना हमने? ठीक है ना, आप दोनों अपने गुनाहों का फैसला बाद में कीजिएगा, पहले ये बताओ छुट्टन भैया कि ये कौन सा तरीका है बात उगलवाने का। समस्या आप लोगों की, घर आप लोगों का, परेशानी आप लोगों की, गुनेगार कौन है ये जानने के लिए भाल हमारे पति को पिलाया। वाह छुट्टन भैया वाह, क्या दुश्मनी निकाली है आपने हमसे। सच कह रहे हैं, अगर इन्हें कुछ हो गया ना तो हम आपको जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे और हम अपना मां का त्याग देंगे। शांत हो जाओ गोमटी, राम विश्राम। अरे ले जाओ भाई, दामाद जी को अंदर ले जाके बिस्तर पर लेटाओ, थोड़ा नींबू पानी पिला देना, इनका भांग का नशा कम हो जाएगा। ले जाओ ले जाओ गोमती, तुम भी जाओ। मैं अंदर जाऊं? हाँ तो अपने पति को जाके देखो और का। कर लिया तमाशा, कर दी होली की खुशी बर्बाद, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक, हैं? मिल गई शांति तुम्हें? माता जी हम तो सच सबके सामने लाना चाहते थे। ये कौन सा तरीका है? वैसे भी तुम्हें सच को सामने लाने की कोनो जरूरत ना थी। कहा है कि सच को झूठ की हजार परतें भी नहीं दबा सकती, आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाता। माता जी कौन से कल की बात करती हैं आप? वो कल जिसके लिए हमने सालों इंतजार किया, पर वो कल आज तक नहीं आ पाया। चुटन। माता जी बोलने दीजिए, हम मत रुकिए, आज हमने ना बोलकर बहुत कुछ खो दिया, हम नहीं चाहते कि मुन्ना भी खो दे। खोया है तुमने? एक रिश्ता जिसे हमने बड़ी शिद्दत से पाया था। और भाभी जी की मेहरबानी से हमने खो दिया। इसे आज तक हम ढूंढ रहे हैं। देवर जी आप अपने नाकामयाब रिश्ते का दोष हमें दे रहे हैं? हाँ, जिस शख्स की वजह से हमने वो रिश्ता खोया था वो आप हैं। आप ही ने हमारी कुसुमलता को यहां से भगाया है। और अब आप ही गौरी को यहां से भगाकर इतिहास को दोहराना चाहती हैं। तुम दोनों को मिलकर ये गलतफहमी दूर करनी। तुम दोनों एक बार मिलो, एक दूसरे की बात को समझ लो, समझा सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। सॉरी सॉरी माला, सॉरी माझे लक्षच नव्हतं। गौरी वहिनी तू, अगं सॉरी लागलं नाही ना तुला इकडे? नाही नाही अगं, मीच माझ्या विचारात होते। पण तू इथे कशी, कशी आहेस तू? ठीक आहे मी, अगं इथे जरा काम होतं म्हणून आले होते। चल येते। बरं मी निघ। हॉस्पिटलची फाईल काय झालं तुला, बरी आहेस ना तू? हो तशी मी बरी आहे, काही नाही झालंय मला। तशी म्हणजे काय म्हणाले डॉक्टर? नाही नाही अगं काही नाही गौरी, हे बघ वहिनी दाखव मला, गौरी थांब ना जरा, मला बघू तर दे काय झालंय। वहिनी तू प्रेग्नंट आहेस? Oh.
दीदी चलिए खाना खा लीजिए। हमें भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं, आइए 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 आइए, चलिए आइए बैठिए बैठिए। आज हम आपको खिलाएंगे और आप खाएंगी भी, है ना? चलिए जल्दी से खा लीजिए, चलिए चलिए लीजिए, खाइए खाइए ना, आपको हमारी कसम, खा लीजिए प्लीज। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। आप इतने सालों तक सब कुछ अकेले सहती रही, कुछ कहा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी बात कौन समझता भैया? हम समझते, बाबूजी समझते। और समझकर क्या कर लेते भैया? आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर में दादी और अम्मा के सामने किसी की नहीं चलती, और अम्मा उन्हें तो हमसे ज्यादा इस बात की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। देखा नहीं आपने कितनी शर्मिंदा है वो हमारे यहाँ आने से, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, उन्हें शायद पूरी बात नहीं पता ना, इसीलिए। पूरी बात क्या होती है भैया? और वैसे भी क्या एक माँ को अपनी बेटी का दर्द समझने के लिए इतना काफी नहीं है कि वो खुद उनसे आकर कहे कि हम तकलीफ में? लेकिन नहीं, अम्मा को हमारी तकलीफ से ज्यादा इस बात से तकलीफ हो रही है कि हम खुद यहां चलकर क्यों आ गए अपना दर्द बताने। सच कहें भैया तो हमें तो ऐसा लगता है कि चार कंधे पर अगर हमारी अर्थी उठकर आ जाती तो शायद उन्हें कम तकलीफ होती। दीदी प्लीज ऐसी बात मत कीजिए आप, हम आपके साथ हैं, बाबूजी आपके साथ हैं, हम हमेशा आपका साथ देंगे, लड़ेंगे आपके लिए, आपके साथ ही अन्याय नहीं होने देंगे हम। हाँ भगवान करे ऐसा ही हो भैया, लेकिन हम बहुत हैरान है कि बाबूजी ने हमारा साथ दिया। सच कहें तो हमने कभी नहीं सोचा था कि दादी और अम्मा के खिलाफ जाकर बाबूजी हमारा साथ देंगे। अब नौकरी करो या बिजनेस करो, कामकाज में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना माता जी, इससे भला किसी की जिंदगी रुकती है? हाँ, और प्रकाश जी सिर्फ सस्पेंड हुए हैं, अभी आरोप साबित नहीं हुआ है, इंक्वायरी चल रही है, और हमें तो लगता है कि बहुत जल्दी वो बरी भी हो जाएंगे। और नहीं हुए तो? शुभ शुभ बोलिए आप। बात शुभ अशुभ की नहीं, बात जिम्मेदारी की। और बच्चे को संसार में लाना एक इंसान की सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी। अब जब खुद प्रकाश जी का भविष्य अधर में लटका हुआ, वैसे में वो बच्चे के बारे में कैसे सोच सकते हैं? सोचना पड़ता है माता प्रसाद, वो कहा है कि हर बात का एक समय होता है, हैं? फिर चाहे ब्याह हो या बच्चे का जन्म, अरे समय निकल जाए ना तो बड़ी परेशानी होती है फिर। नचिकेत, निशाची बातमी है। कसली बातमी? निशा प्रेग्नेंट है। काय?